सारे हुनुहुन्छ हाम्रो व्यूवर्सहरु जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज नेपाली क्यों बोल रही हूँ। तो मैं नेपाली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ नेपाल का ऑथेंटिक नेपाली थाली। यस, अगर आप सिलीगुड़ी से हो ना तो आपको ये थाल पक्का से मिल जाएगा सिलीगुड़ी में, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेशन एंड जितना भी डिटेल्स है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको जो आइटम देखने को मिल रहे हैं, आप थोड़ा पास आ जाओ, आपको आइटम दिखा देती हूँ। ये है मिक्स दाल, ये है घी, दही एंड जो हिल्स का फेमस आलू दम जो होता है, जो हम सबको पसंद है, वो है ये आलू दम। तो ये तो आपको नॉर्मली डेली बेसिस पे मिलेगा। एंड ये जो सब्जी आपको मिक्स वेज दिख रहा है फूल गोभी, गाजर एंड मटर का, तो ये आपको डेली बेसिस पे चेंज मिलेगा। ये एक टाइप का सब्जी डेली नहीं मिलेगा, एंड ये तो आलू का भुजिया डेली जो हम नॉर्मली खाते हैं वो। एंड दिस इज राय का साग, एंड दिस इज रेडिश का, मतलब क्या बोलते हैं रेडिश को, ओके दिस इज रेडिश का वो पिकल, एंड ये हो गया गुंदरू का पिकल, एंड दिस इज सैलेड, ये डल्ले खुर्सानी राइस, एंड ये हो गया फड़ा। सो मैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ ये नेपाली थाली, ऑथेंटिक थाली है ये, तो आप टेस्ट करते हो, देखते हैं कैसा है। ये तो बहुत इसका किस्सा सुना है मैंने, इवन खाकर भी देखा है, लेकिन अब बहुत साल बाद फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। सो लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में आपको जो मिया अमोर है, मिया अमोर का बैक साइड में आपको दिख जाएगा अंदर किचन, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, वीडियो में भी मैं दिखाई दूंगी। एंड ये कॉस्ट करेगा आपको 200 रुपीज़। ये वेज थाली है, एंड हम लोग नॉन वेज भी आपको दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। हम लोग ट्राई करते हैं फर्स्टली ये आलू दम, जो कि बहुत ही फेमस है हिल्स का। लेट्स ट्राई, तीखा, बहुत ही तीखा है। टेस्ट वाइज बोला जाए तो बहुत अच्छा टेक्सचर है इस आलू का, मतलब हम लोग जो नॉर्मली बनाते हैं उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका अलग होता है नॉर्मली आलू दम से। एंड ये मुझे बहुत पसंद है, इसको ना मूवी के साथ ट्राई करना एक बार और अच्छा लगेगा। एंड आलू भुजिया तो नॉर्मल है, मिक्स वेज ट्राई करते हैं। ओके नॉर्मल है बहुत, यहाँ का खाना आपको ना लगेगा बहुत होमली टाइप का खाना है, ऐसा नहीं लगेगा रेस्टोरेंट में जहाँ पर मेट्रो खा रहे हैं। हम लोग ट्राई करेंगे राय साग, साग तो हम लोग खाते नहीं हैं, ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं एकदम नहीं खाते, खाते हैं। इसको भी बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो नॉर्मली हम लोग घर पे बनाते हैं ना, जैसे लहसुन का छौंक और अदरक का छौंक देकर नॉर्मली पकाते हैं, ज़्यादा मसाला वगैरह साथ में इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ का जितना भी खाना है उसमें मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। एंड ये गुंदरू का ये पिकल टाइप कुछ है, तो ये ट्राई करते हैं, ये साग ना एक्चुअली बहुत फेमस है, लेट्स सी कैसा टेस्ट करता है। ये कुछ अजीब सा, मतलब साग का टेक्सचर बहुत ही अलग है, एंड इसको खाते ना एक अजीब सा खट्टापन, एंड जो पिकल में ऑब्वियसली रहता है, लेकिन ये झाल भी है एट द सेम टाइम, खट्टा भी है एंड तीखा भी है, तो अच्छा है, मतलब यूनिक है, ऐसा पिकल जल्दी मिलना नहीं है देखने को, एक्चुअली नेपाली रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा। ये तो मूली का, मूली बोलते हैं इसको, मूली का पिकल है ये नॉर्मल। आलू भुजिया के साथ ट्राई करते हैं कैसा है, एंड डल्ले खुर्सानी तो ट्राई करेंगे, जैसे घी डाले एक तो ऐसे ही मोटे, इतना और मोटे हो जाएंगे। डल्ले खुर्सानी उतना झाल नहीं जितना एक्सपेक्ट करा था, लेकिन हाँ पिकल है, थोड़ा जूसी टाइप का टेक्सचर है इसका, मतलब टेक्सचर नहीं, वो ऐसे काटती ना उसको, वो पूरा वाटर टाइप का कुछ दिया, जूस टाइप का। एंड यस, इस थाली में आपको इतना ही मिलेगा, एंड बाकी डिटेल्स ना मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। एंड सबसे पहले बता देती हूँ आपको क्यूजिन्स कितना टाइप का, यहाँ पे चाइनीज मिल जाएगा आपको, स्नैक्स मिल जाएगा,
एंड फास्ट फूड्स वगैरह मिल जाएगा एंड नेपाली कुजीन तो है आपको नेपाली में नेपाली खाने में आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। कैमरा मैन नया है ठीक है, और आगे देख लो क्या है ये। ये हो गया आपका चिकन, ये हो गया रुई माछ, ये हो गया मटन, ये हो गया सैलड, ये हो गया दही, ये हो गया चटनी, ये हो गया पापड़, और ब्लस ये हो गया राइस, ये हो गया डल्लो खिरचानी, जो खाओगे तो नानी याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, बट मेरे को नानी याद नहीं करना है, समथिंग इसको याद रख देता हूँ। मुझे आपको मटन और चिकन और रुई मांस का रिव्यू दूंगा, देखते हूँ कैसा है। ओके यह चिकन फेवरेट है, चिकन मैं खाऊंगा। बट चिकन रिव्यू खाना है, बेस्ट है चिकन तो बेस्ट है। इसका जो इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं डाला हुआ है, नॉर्मली मसाला है ठीक है, और प्लस इसमें जो खाने के बाद जो स्वाद जो हो रहा है ना, बहुत ही बेस्ट लग रहा है ठीक है। चिकन को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चिकन अच्छे से पका हुआ सीधा हुआ है, चिकन में कोई कंप्लेंट नहीं दूंगा, बहुत ही अच्छा है। एक बताऊँ, चिकन में कोई ज़्यादा करके हैवी मसाला कोई नहीं दिया गया, तो हल्का दिया गया है और इसको कोई भी खा सकता है। प्लस यहाँ पे न्यूटी या कोई हॉस्पिटल है, वो मतलब वहाँ हॉस्पिटल के कारण ज़्यादा करके यहाँ पे मतलब कम से कम मसाला डाला जाता है कि कम कोई भी आदमी पेशेंट भी खा सकता है, लेकिन उतना हैवी मसाला नहीं है जस्ट ठीक है। और आपको मटन देखता हूँ ट्राई करके, मटन तो सॉरी ये आलू मटन है ठीक है, आलू मटन है। इसे आलू मटन ग्रेवी चेक करता हूँ, मैंने पहले ही बोला कोई मसाला कोई खास नहीं होगा, नॉर्मली होगा, अच्छा है बेस्ट है। मैंने मटन ट्राई नहीं किया, देखा जाए तो मटन सीधा अच्छा है, ये भी सीधा मतलब पकने में कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा है मटन ठीक है। और मेरे को तो चिकन सबसे बेस्ट लगा, मेरा चिकन मेरा फेवरेट है। अब ये रुई माछ मैं ट्राई करूँगा, इसका ग्रेवी ठीक है, ग्रेवी कैसा, इसका येलो येलो ग्रेवी होता है रुई माछ का, लेकिन सरसों का पूरा येलो येलो मुझे देखने में अजीब लगता है, लेकिन क्या करूँ, मेरा काम ही है चेक करके बताना आप लोगों को। यार अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है ये, इसका ग्रेवी स्वाद ही मोटा टेस्ट ही चेंज कर दिया, तो चिकन का भी चेंज कर दिया, चिकन के आगे तो ये ग्रेवी जो है ये रुई मास का ग्रेवी बहुत ही बेस्ट है। तो मूंगी चाटना है, आगे मछली चाट लेते हैं, बाद में रुई चाटे मूंगी चाटेंगे, माछ बंगाली बोला जाए रुई माछ छिटा बंगाली, ग्रेवी सब खाऊंगा और मछली भी इसका बहुत बेस्ट है। इसमें कोई मुझे 5.5 रिव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें रीज़न है कि इसमें ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी एकदम जो मसाला यूज़ किया गया है एकदम बहुत ही कम, बहुत ही कम मसाला, ज़्यादा हैवी नहीं दिया गया है, जिसको गैस का प्रॉब्लम होता है आराम से आगे यहाँ खा सकते हैं, जिसको खाने का मन करता है मतलब बाहर में नहीं खाना है मुझे यहाँ खाना, तो यहाँ भी आके खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबसे बेस्ट 5.5। So,
हमने द किचन का आपको एम्बियंस दिखाया, यहाँ का ऑथेंटिक नेपाली खाना दिखाया। एंड अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट ओनर के द्वारा, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें फॉलो कर लीजिए फूड्स ऑफ सिलीगुड़ी को फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जो कि सिलीगुड़ी से कोई भी नया वीडियो आएगा, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।